वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर संस्कृत टीचर लीना शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सर्वनाम परिचय पार्ट 3। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें राम जाता है तो राम शब्द यहाँ क्या है? सर्वनाम है। राम दौड़ने जाता है, दौड़ के आके वह स्नान करता है, स्नान करके वह नाश्ता करता है, तो जो ये वह है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। जैसे हम बोलते हैं राम जाता है, राम आके खाना खाता है, राम स्नान करता है, तो ये सुनने में कुछ अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमने भाषा सौंदर्य के लिए इसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहाँ राम के स्थान पर वह शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे संज्ञा शब्द तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। अतः उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी तीनों लिंगों में होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संज्ञा शब्द जिस वचन, लिंग और विभक्ति का होगा, सर्वनाम शब्द भी उस वचन, उस लिंग और उस विभक्ति का ही प्रयुक्त करना होता है। सर्वनाम शब्दों को हम पुरुष भी कहते हैं। पुरुष देखिए, पुरुष तीन भागों में संस्कृत में बांटे गए हैं। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। उत्तम पुरुष बात को कहने वाला या कथन का वक्ता उत्तम पुरुष होता है, जबकि मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, जबकि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष वो है जो ना बात को कहने वाला है ना बात को सुनने वाला है, तो वो क्या हुआ? अन्य पुरुष कहलाएगा। अब उत्तम पुरुष के हम सर्वनाम शब्द देखेंगे। उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम। बात को कहने वाला अहम एक वचन, अहम मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। मध्यम पुरुष के सिर्फ और सिर्फ तीन कर्ता होते हैं, कौन कौन से? त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। जबकि प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में कर्ता आपको मिलते हैं, जैसे पुल्लिंग के लिए है स, तउ, ते। स एक वचन के लिए वह पुल्लिंग, तउ द्विवचन के लिए पुल्लिंग और ते बहुवचन के लिए पुल्लिंग। और जबकि स्त्रीलिंग में सा, ते और ता। सा स्त्रीलिंग एक वचन है, ते वे दोनों स्त्रीलिंग द्विवचन और ताहा वे सब स्त्रीलिंग बहुवचन। और नपुंसक के लिए आता है, नपुंसक लिंग के लिए आता है तत, ते, तानी। तत एक के लिए, ते दो फलों के लिए और तानी अनेक नपुंसक लिंग शब्दों के लिए आता है। ठीक है, तो ये जो है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इसमें सिर्फ और सिर्फ अहम, आवाम, वयम करता होता है। इसमें मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और इसमें तीनों लिंगों में चलते हैं, सैतौते पुल्लिंग, सातेता स्त्रीलिंग और तत्तेतानी नपुंसक लिंग। और उसके अलावा जितने भी आपके शब्द आते हैं उनके लिंग समझ के हमको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे संज्ञा में तीनों लिंगों में शब्द चलते हैं, वैसे ही सर्वनाम में चलते हैं। तीनों लिंगों, वचनों और विभक्ति के अनुसार ही सर्वनाम शब्द संज्ञा की तरह चलते हैं। आइए अब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं, सर्वनाम परिचय। सर्वनाम परिचय में आपको, जैसा मैंने बताया था, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा की तरह ही ये शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों में चलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द तत्, एतत्, इदम और किम के। देखिए तत् शब्द के शब्द स, तउ, ते। स यानी वह, तउ यानी वे दोनों और ते वे सब। अब इसकी सेकंड विभक्ति देखेंगे, तम
उसको, तौ उन दो को, और तान उन सबको। एता शब्द प्रथमा विभक्ति, एषे यह, एतो ये दो, और एते ये सब। एतम शब्द द्वितीय विभक्ति, एतम इसको, एतौ इन दो को, और एतान इन सबको। इदम शब्द देखिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, अयम यह, इमो ये दो, इमे ये सब। इमम इसको, इमौ इन दो को, और इमान इन सबको। किम शब्द कह कौन, कौन दो, और के कौन सा। कम किसको, काउ किन दो को, और कान किन सबको। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, तत एतद इदम किम, इनमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दी गई है। सा ते ता, सा वह, ते वे दो, और तहा वे सब। ताम उसको, ते वे दो, और ता उन सबको। एता शब्द देखिए, एषा यह, एते ये दो, एता ये सब। एताम इसको, एते इन दो को, और एता इन सबको। इदम इयम यह, इमे ये दो, इमा ये सब। इमाम इसको, इमे ये दो, इमा इन सबको। किम का कौन, के कौन दो, और कहा कौन सब। काम किसको, के किन दो को, कहा किन सबको। नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों को देखेंगे। तत् शब्द देखिए, तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब। तत् उसको, ते उन दो को, तानी उन सबको। एता शब्द देखेंगे, एतत यह, एते ये दो, एतानी ये सब। एतत इसको, एते इन दो को, और एतानी इन सबको। इदम शब्द इदम यह, इमे ये दो, इमानी ये सब। इदम इसको, इमे इन दो को, इमानी इन सबको। किम शब्द किम क्या, के क्या दो, कानी क्या सब। किम किसको, के किन दो को, कानी किन सबको। मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द देखेंगे आप। सुनने वाला या श्रोता मध्यम पुरुष होता है। इसके शब्द रूप चलते हैं त्वम, तुम। एक वचन के लिए युवाम, तुम दो, दो वचन के लिए, और यूयम, तुम सब, बहुवचन के लिए। द्वितीय विभक्ति देखिए इसकी, त्वाम तुमको, युवाम तुम दो को, और युष्मान तुम सबको। उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द, कहने वाला अर्थात वक्ता उत्तम पुरुष होता है। यहाँ हम दो विभक्ति देखेंगे, अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। माम मुझको, आवाम हम दो को, और अस्मान हम सबको। कुछ अन्य संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम देखेंगे। सह कह, यह कौन है, एष मयूर है, यह मोर है, अयम मयूर है, यह मोर है। तौ तो कौ, वेदो कौन है, एतो मयूरो, वेदो मयूर है, इमो मयूरो, वेदो मोर है। ते के, वे कौन है, एते मयूरा, ये सब मोर हैं, इमे मयूरा, ये सब मोर हैं। सा का, वह एक कौन है, एशा लता, यह एक लता है, इमा लता, यह एक लता है। ते के, वे दोनों कौन है, एते लते, ये दोनों लताएं हैं, इमे लते, ये दोनों लताएं हैं। ता का, अनेक कौन है, एता लता, ये अनेक लताएं हैं, इमा लता, ये अनेक लताएं हैं। तत किम, वह एक कौन है, यह क्या है, एतद ग्रहम, यह एक घर है, इदम ग्रहम, यह एक घर है। ते के, वे दो कौन है, यह क्या है, एते ग्रहे, ये दो घर हैं, इमे ग्रहे, ये दो घर हैं, इमे ग्रहे, ये दो घर हैं। तानी कानी, वे अनेक कौन है या क्या है, एतानी ग्रहाणी, ये अनेक घर हैं, इमानी ग्रहाणी, ये अनेक घर हैं।